मॉर्निंग। तो अभी जस्ट बारिश रुकी है, बादल देख सकते हो आप, पानी देख सकते हो आप। शायद आज का दिन बहुत अच्छा है। बाकी दौड़ने तो बारिश की वजह से नहीं गया मैं, मुझे दौड़ना है यार, मुझे बारिश में दौड़ना है। तो बारिश में दौड़ने से मेरे को किस्सा याद आया, अगर आप सुनना चाहो तो। मोहित और मैं, हम दोनों रनिंग के लिए गए, तब हल्के हल्के छींटे आ रहे थे। हम दौड़ने गए टंकी के बालाजी के यहाँ पे, जहाँ हम रोज़ दौड़ते हैं वहाँ पे। वहाँ पे जाते बहुत तेज़ बारिश आने लग गई। अब हम सोच रहे हैं दौड़े कि नहीं दौड़े, तो फिर हमने कहा इतनी तेज़ बारिश में तो नहीं दौड़नी आएगा। तो वहाँ हम एक टपरी के नीचे बैठे और सुबह सुबह का टाइम था 4-4:30 बजे का। इतनी ठंडी हवा चल रही है, हम भीगे हुए थे पूरे, हल्के हल्के छींटे आ रहे थे तब हम भीग गए, मतलब वहाँ जाते जाते। अब वो इतनी ठंड लगे जिसकी हद नहीं। सुबह के लगभग 4:30-5 बजे थे और बिल्कुल अंधेरा। ओ भाई साहब, बहुत तगड़ा सीन था वो। बाकी मुझे अभी दौड़ना है बारिश में, पर आज पता नहीं क्यों मैं उठ गया था 4 बजे, पर मेरी आँखें मतलब थोड़ी सी दर्द कर रही थी, ऐसे जल रही थी, इसलिए मैं वापस सो गया। और आजकल है ना, मिनी व्लॉग्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है। मैंने देखा था मिनी व्लॉग्स वगैरह, उसके अंदर क्या ऐसे मतलब मुंह बंद रहता है, ऐसे कुछ इशारे होते हैं और फिर उस पर वॉइस ओवर देते हैं। अच्छे थे वीडियोस, मतलब उसके व्यूज़ अच्छे थे, पर मुझे ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके अंदर है ना, मान लो अगर मेरे व्यूज़ वगैरह नहीं आते, कुछ भी नहीं होता ना, फिर भी मैं एक तो खुद से बात कर रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली इंक्रीज़ होगा, फर्स्ट बात तो ये है। सेकंड बात, मेरे खुद को याद नहीं आ रही, सॉरी। चलो ठीक है, बाकी दिन बड़ा अच्छा है, मज़ा आ रहा है। आजकल मेरे कॉन्फिडेंस में बहुत सुधार हुआ है। और आज कौन सा दिन है, आज 18वां दिन है, लगातार 18 दिन हो गए मेरे को व्लॉग्स बनाते बनाते। मज़ा आ गया, मतलब टोटली बहुत अमेजिंग था। और आज जॉबलेस जो AI है, मेरा YouTube चैनल सेकंड वाला, उसके ऊपर वीडियोस अपलोड होंगी, पर मेन दिक्कत है कि वो सारे वीडियोस इंग्लिश के अंदर है, तो मैं उनके व्यूज़ को लेकर थोड़ा सा टेंशन में तो क्या हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हूँ, है ना। और अभी मैं एक दो साइट्स और देख रहा हूँ जिससे कि हम पैसे कमा सकते हैं। मैंने देखी भी है, एक पेड सर्वे वाली साइट थी, तो उसके अंदर मैंने ईमेल्स वगैरह डाल दिए हैं, तो उन्होंने कहा है जैसे कोई सर्वे आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसके अलावा और मैं देख रहा हूँ कि AI से और कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं। YouTube पे मैंने बहुत देख लिया, तो अब मैं साइट्स पे चेक कर रहा हूँ, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। और मेरा एक और फ्रेंड सचिन, उनसे भी मिलाऊँगा मैं, तो अगले महीने राखी है लगभग 30 तारीख के लगभग। तो उसने कहा है मेरे को कि पर एक काम करते हैं ना, अपन है ना नारियल बेचते हैं, उससे शायद अपने को प्रॉफिट हो जाएगा अच्छा खासा। तो प्रॉफिट का जो मैंने रेशियो निकाला था वो 33% है, कि अगर आप 100 रुपये लगाओगे तो आपको रिटर्न में 133 रुपये मिल जाएंगे अगर सारे नारियल बिक गए तो। तो मैं सोच रहा हूँ उसके अंदर भी जाने की, क्योंकि अभी तक मतलब मेरे को बिजनेसमैन बनना है, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन अभी तक मैंने कोई भी चीज़ सेल नहीं की, ना प्रॉफिट में ना लॉस में। मैं चाहता हूँ कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो मेरे लिए भी। और ठीक है, और क्या बताऊँगा, काफ़ी है। चलो मिलते हैं फिर, मज़ा आ रहा है। तो यार ये हाथ उगने लग गया यार यहाँ से, बहुत तगड़ा वाला। चलो